नमस्ते, मैं हूं देव दृष्टिकोण प्रोडक्शन से और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं मिडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिडी है क्या। MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। आप कह सकते हैं कि इट्स अ कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसफरिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डेटा, प्राइमरली यूज बाय सिंथेसाइजर्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक ड्रम्स, कीबोर्ड्स। अब जो मैंने बोला है उसका टेक्निकल टर्म क्या है, हम यहाँ पर जाते हैं, पैटर्न वन पे हमने क्लिक किया, इस पर किया डबल क्लिक, यहाँ गए, यहाँ से मैंने ले लिया है, चलिए FL कीज ही ले लेते हैं। किधर गया मेरा FL कीज? राइट क्लिक, पियानो रोल। पियानो रोल के अंदर यहाँ पर हम जो भी बनाते हैं, ये नोट्स, म्यूजिकल नोट्स, ये जब सेव होते हैं इस फॉर्म में, इस म्यूजिकल नोट्स के फॉर्म में, वो मिडी फाइल कहलाती है। मान लीजिए आपने एक गाना बनाया, कोई धुन बनाई, कोई मेलोडी, कोई कॉर्ड प्रोग्रेशन, और आपने देखा कि ये इस गाने पर सूट नहीं कर रही है, वैसे मेलोडी बहुत अच्छी बन गई है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूं कि मैं किसी और गाने में इसे यूज करूंगा, या फिर किसी क्लाइंट को या किसी स्टूडेंट को आप ये भेजना चाहते हैं कि ठीक है मैं आपको एक पर्टिकुलर मेलोडी भेज देता हूं, या फिर आप ये भी चाहते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को, फ्लूट प्लेयर हो गया या कोई और हो गया, उसको आप सीधा ही मिडी फाइल, ये जो आपके सामने नजर आ रही है, ये भेजें ताकि वो सुने और उस हिसाब से उसे रिकॉर्ड करके अपना इंस्ट्रूमेंट आपको भेज पाए। तो आप क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल चीज़ है। मैं यहाँ एक मेलोडी बनाता हूँ, फिर आपको थोड़ा आइडिया होगा कि मैं एग्जैक्ट क्या बात कर रहा हूँ। अच्छी मेलोडी बन गई है, पीछे कॉर्ड लगी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है। मैं यहाँ जाता हूँ, ये मेरा ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पर मैंने क्लिक किया, सबसे पहली ऑप्शन है फाइल, फाइल से मैं इधर गया तो यहाँ है एक्सपोर्ट एज मिडी फाइल। मिडी हमने जो पढ़ाई है, मैंने आपको फिर बताता हूँ, फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मिडी क्या है? हम कोई भी, आपको मालूम ही है, जब हम कंप्यूटर चलाते हैं या कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाते हैं तो जो लैंग्वेज वो रीड करता है, डिजिटल लैंग्वेज, वो 1010 की टर्म में होती है, वही लैंग्वेज हम मिडी से या किसी इलेक्ट्रॉनिक ड्रम से या सिंथेसाइजर से कंप्यूटर में फेंकते हैं। कंप्यूटर का ट्रांसड्यूसर या कोई भी, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा, कंप्यूटर का एल्गोरिथम उसे पकड़ता है 1010 की टर्म में और उसे कन्वर्ट करता है म्यूजिकल फॉर्म में जो आप सुनते हैं, लेकिन बैकहैंड पर ये 1010 डिजिटल लैंग्वेज ही पढ़ रहा है। मैंने यहाँ क्या किया, एक्सपोर्ट एज मिडी फाइल, इस पर किया मैंने क्लिक और यहीं एक सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक सेव करता हूँ, ए ए ए कुछ भी मैंने लिखा, ये आपके सामने लिखा है और इसको मैंने कर दिया है सेव। अब ये मैंने उड़ा देता हूँ, कंट्रोल ए, इसे मैंने किया डिलीट, या फिर इसे बंद ही कर देते हैं। बिल्कुल नया एक FL स्टूडियो मैंने खोला, हमने इस पर किया डबल क्लिक, यहाँ पर लिया और हमने ले रहे हैं एक, हमने पिछली जो मेलोडी बनाई थी वो 140 पे थी, कोई बात नहीं, हम जो नया गाना बना रहे हैं, लेट से वो बना रहे हैं 105 BPM पे। FL क्लीज, राइट क्लिक, पियानो रोल या FL कीज भी नहीं लेते, कुछ और चीज़ ले लेते हैं। मैं यहाँ से रिप्लेस करता हूँ और मैं ले लेता हूँ, चलिए ये बेस वाला ले लिया है, राइट क्लिक, पियानो रोल। अब मुझे क्या करना है, वापस इसके ऊपर किया मैंने क्लिक, यहाँ गया फाइल, पहले हमने एक्सपोर्ट की थी, अब हम मिडी फाइल इंपोर्ट करेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वही फोल्डर खुल गया है, इस नाम से हमने सेव की थी, इस पर किया डबल क्लिक और आप देख रहे हैं पूरी की पूरी मेलोडी आपके सामने वो वापस आ गई है। और अब यही मेलोडी सेम स्केल पर लेकिन 105 की टेम्पो पे प्ले होगी।
140 पे सुनते हैं। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, तो बहुत ही अच्छी चीज है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे ये क्वेरी आ रही है कि किसी को कॉर्ड प्रोग्रेशन में दिक्कत आती है, किसी को मेलेडी बनाने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने क्या किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप एक फोल्डर डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने अपनी आपके लिए कुछ मिडी फाइल्स मैंने सेव की है बना के, अगर मैं आपको यहां दिखाई देता हूं, यहां मैंने क्लिक किया फाइल इंपोर्ट मिडी, पहले जो हमने अभी बनाई है ये हम यहां से डिलीट कर देते हैं। मैंने क्या लिखा है यहां पर, स्केल भी लिखा है और जिस टेम्पो पे मैंने बनाई है वो भी लिखी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 128 या 140 या 120 या 90 या 80 पर ही चलेगी। बनाते टाइम ये टेम्पो थी, मतलब इन टेम्पोस पे तो ये परफेक्टली साउंड करेगी, तेज़ और स्लो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए मैं इनमें से कोई भी एक चलाता हूँ, जी शार्प 80 देखते हैं। मैंने उस पर डबल क्लिक किया और आपके सामने आ गई है ये चीज़, FL कीज में क्लियर सुनेंगे, FL कीज में सॉरी, और FL क्या कहती है। यहां क्लिक किया फाइल इंपोर्ट मिडी, कोई और ले लेते हैं, सीशा 140। फिर यहां क्लिक किया फाइल इंपोर्ट फाइल, एक मैंने पियानो के लिए बनाई थी, ये मैंने प्ले किया था, ये मैंने, आप यहां देख रहे हैं वेलोसिटीज कैसे छिड़ी हुई हैं क्योंकि मैंने हाथ से प्ले की है। आइए सुनते हैं। तो ये मिडी फाइल्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, एक छोटा सा फोल्डर है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंपोर्ट करना, इसमें से कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं, आप कॉर्ड प्रोग्रेशन वगैरह देख सकते हैं, आप नोट्स देख सकते हैं किस तरह से क्या लगा हुआ है, कोई भी नोट ऊपर नीचे जैसा भी आपको टेस्ट हो आप लगा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हैं और फ्रीली इसे यूज़ कर सकते हैं, रॉयल्टी फ्री, कोई इशू नहीं है। ये आपको मैंने सिखाने के लिए ही कुछ 10-12 जितनी भी ये फाइल्स हैं मिडी फाइल्स, ये मैं आपको दे रहा हूँ, डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रोडक्शन या इस पूरे कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा YouTube चैनल है youtube.com/devmusic, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा Facebook पेज facebook.com/devnextlevel, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ 24 घंटे में सबका रिप्लाई करूँ। और ये है मेरा soundcloud.com/devnextlevel, यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी साउंड सुन सकते हैं। तो ये था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस MIDI फाइल, किस तरह से इंपोर्ट होती है, किस तरह से एक्सपोर्ट होती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए देव फ्रॉम दृष्टिकोण प्रोडक्शंस साइनिंग आउट, नमस्ते। Thank you.